दिल्ली के ऑटो वालों की एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि जो किराया है वो अपर्याप्त था, उनको उससे मुनाफा नहीं होता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। देखो आवाज गड़बड़ा दी। और ऑटो वालों का एक बड़ा समर्थन बिल्कुल हमेशा नहीं साहब, बिल्कुल सही कहा क्या आम आपने। आदमी पार्टी के साथ रहा है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऑटो वालों के विरोध में खड़ी रही है। भरोसा है तो ये है। ऑटो वालों का कैसे नुकसान हो सकता है, इसकी हमेशा कोशिश भाजपा करती रही है। आज फिर से वही गंदी राजनीति का खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे कई फैसलों पर पीछे से कोर्ट में जाके स्टे लगवाना, रोक लगवाना, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और आज उसी तरीके से ऑटो वालों का जो किराया था उस पर रोक लगवाने का काम भाजपा ने किया। एक गंदा खेल फिर से खेला। मैं दिल्ली के ऑटो वालों से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा रखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पे भरोसा रखिए। जो आज कोर्ट का स्टे लगा है, सरकार बनने के एक हफ्ते के बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, आपका किराया बढ़ाया जाएगा, आपको निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। भाजपा की इस राजनीति को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। कल जब अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो याद रखिएगा भाजपा के इस जुल्म को, याद रखिएगा उनके अन्याय को, याद रखिएगा किस तरह से उन्होंने हर बार आपका अहित करने का काम किया है, आपके खिलाफ जाके काम किया है, आपका 10-10 हजार रुपए का चालान कराया है दिल्ली में। आप बताइए, आई लव केजरीवाल लिखने पर ऑटो वालों पे 10-10 हजार का चालान हुआ भाजपा के राज में, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये भाजपा के इशारे पर काम करती है। लेकिन मैं फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद एक हफ्ते के अंदर ऑटो का किराया बढ़ाया जाएगा, ऑटो वालों को निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल जब अपना वोट देने के लिए जाइए तो और गुस्से के साथ अपने वोट का प्रदर्शन कीजिएगा, अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिएगा। आम आदमी पार्टी और झाड़ू को अपना वोट दीजिएगा, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आपकी जो मांग है उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे।